नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन क्लिक और मैं हूं बरखा नागर। आइए एक नजर डालते हैं आज की खबरों पर। उज्जैन नगर निगम के लिए मतदान 6 जुलाई को संपन्न होगा। सोमवार को कलेक्टर एसपी ने मतदान सामग्री वितरण केंद्र का निरीक्षण किया। निकायों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 के तहत उज्जैन जिले के कुल 8 नगरीय निकायों में 6,22,544 मतदाता 192 पार्षद एवं एक महापौर का चुनाव करेंगे। 11 मई 2022 की स्थिति में उज्जैन नगर पालिक निगम में 2,30,879 पुरुष एवं 2,30,177 महिलाएं व 47 थर्ड जेंडर सहित कुल 4,61,103 मतदाता हैं। शहर में 568 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 121 मतदान केंद्र संवेदनशील मतदान केंद्र के रूप में चिन्हित किए गए हैं। 5 जुलाई को मतदान सामग्री वितरण के लिए उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज में व्यवस्था की गई है। बारिश से बचने के लिए इस बार बड़े बड़े डोम बनाए गए हैं। मतदान सामग्री वितरण के लिए सेक्टर अधिकारियों व अन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण का निरीक्षण कलेक्टर आशीष सिंह एवं पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने किया एवं दिशा निर्देश दिए। मोक्षदायिनी शिप्रा का आंचल जलकुंभी से ढका हुआ है। बाहर से आने वाले श्रद्धालु आचमन भी नहीं कर पाते हैं और आहत होकर जा रहे हैं। जलकुंभी से शिप्रा एक हरे भरे बगीचे के रूप में परिवर्तित हो गई है। देखना है जिम्मेदार कब इसकी सुध लेते हैं। यह जो आप देख रहे हैं वह कोई हरा भरा बाग बगीचा या खेल का मैदान नहीं, मोक्षदायिनी माँ शिप्रा की दुर्दशा का नजारा है। मंगलनाथ सहित कई क्षेत्र में जलकुंभी ने माँ शिप्रा के आंचल को ढक लिया है, जिससे देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु यहाँ आचमन कर पाने की स्थिति में भी नहीं है और आहत होकर लौट रहे हैं। शिप्रा शुद्धिकरण ही अभी चुनावी समर का मुख्य हथियार है। सत्ता पक्ष शिप्रा शुद्धिकरण के कार्यों का बखान कर रहा है, विपक्ष नगर सत्ता में आने पर शिप्रा शुद्धिकरण को पहली प्राथमिकता बता रहा है। शिप्रा शुद्धिकरण तो जब होगा तब होगा, फिलहाल तो जनता की सेवा के लिए पलक पावड़े बिछाने वाले जिम्मेदारों के पास पिछले 2 माह से जलकुंभी से ढकी मां शिप्रा के आंचल से जलकुंभी हटवाने जैसा थोड़ा सा काम करवाने का भी समय नहीं है। तो चुनाव के बाद क्या होगा आसानी से कल्पना की जा सकती है। चुनाव में शांतिपूर्वक मतदान हो, इस उद्देश्य से पुलिस द्वारा लगातार शहर के संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। इसी के तहत महाकाल थाना पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। नगर निगम चुनाव के मतदान की प्रक्रिया जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे पुलिस ने भी अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। इसी के तहत महाकाल पुलिस ने भी फ्लैग मार्च निकाला, जो CSP के नेतृत्व में बेगमबाग, नलिया बाखल, नागौरी मोहल्ला, तोपखाना और लोहे का पुल क्षेत्र से निकला। आज माननीय एसपी महोदय के निर्देशानुसार सभी इन भागों में अलग अलग दल बना के फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। इसके तहत हमारे सारे इन भाग के हमने तीनों थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य आगामी 6 तारीख को जो नगर निगम के चुनाव है निष्पक्ष तरीके से हो सके, इसलिए कार्रवाई की जा रही है। सेंसिटिव क्षेत्रों में किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था की? सेंसिटिव क्षेत्रों में हमने पूर्व में सारे हॉटस्पॉट चयनित करके वहाँ बल डिप्लॉय कर दिया है। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आती है तत्काल क्विक रूप से हम वहाँ पर पहुँच के संबंधित पॉइंट को सॉल्व करते हैं।
विक्रम विश्वविद्यालय के खेल मैदान पर नवनिर्मित बास्केटबॉल कोर्ट में उद्घाटन होने से पहले ही दरारें पड़ गई हैं। बारिश के कारण एथलेटिक ट्रैक बनाने का काम भी रुक गया है। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में खेल मैदान पर बास्केटबॉल कोर्ट का निर्माण किया गया है। चुनावी आचार संहिता लगे होने के कारण इस नवनिर्मित कोर्ट का शुभारंभ नहीं हो पाया। हालांकि इस दौरान निर्माण कार्य की गुणवत्ता भी सामने आई है। यहां बास्केटबॉल कोर्ट में दरारें पड़ गई हैं तो वहीं कॉर्नर पर जर्जर हालात दिखाई दे रहे हैं। कोर्ट की सेफ्टी के लिए पक्का निर्माण करने के बजाय पत्थर व चूरी डाल दी गई है। वहीं दूसरी ओर खेल के मैदान में एथलेटिक ट्रैक भी तैयार किया जा रहा है, जहां बारिश के कारण काम रुक गया है। हालांकि जब यह एथलेटिक ट्रैक तैयार हो जाएगा तो खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धा में लाभ मिलेगा। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने महाकालेश्वर सवारी मार्ग का पैदल निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि महाकाल की पहली सवारी आगामी 18 जुलाई को निकाली जाएगी। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने महाकाल मंदिर परिसर से निरीक्षण प्रारंभ किया और गुदरी चौराहा, पानदरीबा, रामानुज कोर्ट, रामघाट एवं इसके बाद रामघाट से ढाबा रोड होते हुए गोपाल मंदिर व पटनी बाजार होकर गुदरी चौराहे पर निरीक्षण समाप्त किया। कलेक्टर ने समस्त सवारी मार्ग में बैरिकेटिंग की व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने सवारी मार्ग में कच्चे मकानों पर दर्शनार्थियों को न चढ़ने देने के लिए कहा। कलेक्टर ने सवारी मार्ग पर पड़ने वाले सभी बिजली के खंभों को सीट से कवर करने के निर्देश दिए हैं, जिससे कि श्रद्धालुओं को करंट आदि लगने का भय न हो। उन्होंने विद्युत विभाग को मार्ग में क्रॉस हो रहे विद्युत के अनावश्यक तारों को हटाने के लिए भी कहा है। व्हाट्सएप ग्रुप से निकालने पर हुआ विवाद, आपस में ही भिड़े एक ही पार्टी के कार्यकर्ता, मामला पहुंचा थाने। नगर निगम चुनाव के चलते वार्ड क्रमांक 20 में एक ही राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, जिसमें ग्रुप के एक सदस्य ने वार्ड क्रमांक 50 की कुछ पोस्ट डालकर उसमें कमेंट डाल दी। इसके बाद उसे ग्रुप से बाहर कर दिया गया। ग्रुप से बाहर कर देने के बाद दोनों के बीच विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। ये एक छोटी सी बात थी। एक व्हाट्सएप ग्रुप जो 20 नंबर वार्ड है उसमें बना हुआ था और उस वार्ड में उस जो आरोपी है उसने अपने वार्ड क्रमांक 50 की कुछ व्हाट्सएप पोस्ट डाल दी थी, जिसके कारण ग्रुप से उसको हटाया गया था। चुनाव में जिस तरह का ग्रुप बना और उस दौरान उन्होंने दूसरे जगह के ग्रुप की कुछ बातें डाली, उस पर विवाद बना था। हमने तत्काल ही प्रकरण पंजीबद्ध किया है और कार्रवाई की। आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बने रहें न्यूज़ 1 क्लिक के साथ।